दोस्तों आज हम जा रहे हैं पोहा बनाने। पोहा बनाने के लिए आपको चाहिए कटे हुए टमाटर, कटी हुई प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और मूंगफली। हमने थोड़ा सा आलू काट के इसमें ऑयल में फ्राई कर दिया है। जब तक फ्राई होते हैं तब तक हम लोग अपना चूड़ा को सफाई करके और उसमें भिजा देते हैं। फिर हमने चूड़ा लिया है पानी, थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च इसमें डाल के फ्राई कर देंगे। बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज इसमें आप डाल सकते हैं। अपने हिसाब से बड़ी भी प्याज में आप बड़ी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार लहसुन अपना। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भीगा हुआ पोहा हमारा रेडी है। थोड़ा सा भिगा लिया 5 मिनट और उसको हम लोग वॉश करने के बाद उसको इसमें डालेंगे। रेडी हो गया हमारा, मिक्स हो गया बढ़िया से और पक गया हर तरह का। अब इसको हम बाकी सब अपना सामान उसमें डाल देंगे, मूँगफली और फ्राइड आलू जो थे हमारे, मूँगफली और जो हमारे आलू के फ्रेंच फ्राइज थे सब डाल दिया उसमें। ये हमारा तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया हमने। अब रेडी टू सर्व। अब हमारा रेडी हो गया है, आप इसको अब खा सकते हैं। तो हमारे वीडियो ऐसे देखते रहिए फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और वीडियो आपके लाते रहेंगे। धन्यवाद।